नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 का बीती रात ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसका खिताब मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी ने जीता। लाइव वोटिंग के जरिए मुनावर ने अभिनेता अभिषेक कुमार को हराते हुए बिग बॉस सीजन 17 का खिताब अपने नाम किया। टीवी चैनल कलर्स पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के ग्रैंड फिनाले में मुनावर फारूकी और अभिषेक कुमार के अलावा अभिनेत्री मनारा चोपड़ा, टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और सोशल मीडिया पर्सनालिटी अरुण महाशेट्टी भी थे। इस ग्रैंड फिनाले में सुपरस्टार अजय देवगन स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। बता दें कि फाइनलिस्ट की लिस्ट में मुनावर फारूकी, अभिषेक कुमार, अंकिता लोखंडे, मनारा चोपड़ा और अरुण महाशेट्टी थे। फिनाले के दौरान घर से बेघर होने वाले भी सभी कंटेस्टेंट वहां पर शामिल हुए थे। और यही नहीं, बेघर होने वाले सबसे पहले फाइनलिस्ट में से जो कंटेस्टेंट थे वो थे अरुण महाशेट्टी, उसके बाद अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा घर से बाहर निकली। उसके बाद बिग बॉस के होस्ट बॉलीवुड के भाई जान यानी कि सुपरस्टार सलमान खान ने मुनावर फारूकी को विजेता घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपए का नगद इनाम और एक कार भी मिली। सोशल मीडिया पर काफी पहले से ही मुनावर की जीत की चर्चाएं होने लगी थी। लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मुनावर फारूकी इस सीजन के विजेता बनेंगे। वहीं मुनावर सबसे पहले साल 2021 में चर्चाओं में आए, जब उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक स्टैंड अप शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की है, जिसके बाद उन्होंने देवी देवताओं पर टिप्पणी करने और कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 1 महीने से अधिक समय की जेल भी काटनी पड़ी थी। जिसके बाद साल 2022 में उन्होंने एक और टीवी रियलिटी शो लॉकअप सीजन 1 का खिताब अपने नाम किया। इस शो को अभिनेत्री कंगना रनौत ने होस्ट किया था। वहीं बिग बॉस सब सीजन 17 के दौरान मुनावर फारूकी ने अपनी बुद्धि और आकर्षण से घर वालों और दर्शकों का मनोरंजन किया। साथ ही पूरे शो में उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत चर्चा में रही। बता दें कि बिग बॉस के इस सीजन का प्रीमियर 15 अक्टूबर 2023 को 17 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ था, जिसमें विक्की जैन, अंकिता लोखंडे, आयशा खान, अनुराग, ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट, ईशा मालविया, जिग्ना बोरा, फिरोजा खान, रिंकू धवन भी शामिल थे। जानकारी के लिए बता दें कि अरुण महाशेट्टी 5वें नंबर पर एविक्ट हुए, जिसके बाद टॉप 5 में मुनावर फारूकी, अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार और मनारा चोपड़ा पहुंचे। जिसके बाद अंकिता लोखंडे एविक्ट हुई और टॉप 3 में मुनावर फारूकी, अभिषेक कुमार और मनारा चोपड़ा पहुंचे। फिर उसके बाद मनारा चोपड़ा भी रेस से बाहर हुई और अभिषेक कुमार टॉप 2 में रहे। टॉप 2 के दौरान जब बिग बॉस ने दोनों के बारे में बातें कही, तब दोनों कंटेस्टेंट्स फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। अंत में सलमान खान ने मुनावर फारूकी को बिग बॉस सीजन 17 का विनर घोषित कर ट्रॉफी, प्राइज और कार भी दे दी। आपका क्या कहना है कि मुनावर फारूकी का जीतना सही था या फिर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कोई और था? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ स्टोरी हाउ।